श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक राहवन संहिता करके किताब मैंने मंगाई है अमेजन से, पढ़ रहा था, काफ़ी मज़ेदार है। रावण के दिए हुए उर्दू में, फारसी में, बंगाली में, मराठी में मंत्र है, बिल्कुल एक ठग का बड़ा बाजार लगा हुआ है। जो चीजें चलती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब, अब लाल किताब को भी लोग तंत्र बताते हैं कि देखो तांत्रिक विधि है, लाल किताब के उपाय हैं। रावण ने जितने भी मंत्र दिए, एक तो रावण ने बड़ा सटीक सिलसिलेवार ढंग से मंत्रों को दिया है। रावण बहुत विद्वान पंडित थे। रावण इस स्तर के पंडित थे कि जब राम को यज्ञ करना था युद्ध से पहले, तो उन्होंने पुरोहित रावण को ही बनाया था, और रावण ने अपने ब्राह्मण धर्म को निभाते हुए उनका पुरोहित वो बने भी थे, ठीक है। तो उस स्तर के वो विद्वान थे। शिव बोलते थे मेरा एक ऐसा शिष्य जिसको समझाना मुश्किल है। और जब आप रावण संहिता उठाएं और आपको मंत्र मिले या इलाही इल्लल्लाह, तो फिर समझो कहाँ फंसे हैं। खैर, ये एक ऐसे ही मैंने एक विषय इसलिए उठाया क्योंकि रावण द्वारा दिए गए तंत्र में से आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र दे रहा हूँ। पहला सिद्धांत कर्ज मुक्ति का ये होता है कि पैसे कमाओ तो कर्ज मुक्ति हो जाएंगे, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो साथ में खर्चे आने लगते हैं। तो जो पैसे आप कमाते हैं वो कर्ज मुक्ति के बदले अपने व्यय में चले जाते हैं, अपने आप को शोधने में चले जाते हैं, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में चला जाता है, मतलब कुछ भी होता है, लेकिन धन प्राप्ति होती है और उससे कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि धन आ रहा है, कर्ज मुक्ति हो रही, फिर कर्ज आता जा रहा है, वो फिर भी सही होता है, लेकिन अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कर्ज नहीं चुक रहा है, तो वैसे लोगों के लिए रावण द्वारा दिया गया, रावण नाथ तीसरे सिद्ध नाथों के, उनके द्वारा दिया गया, मैं आपको बताऊंगा ऋण मुक्ति गणपति मंत्र और विधान। इस मंत्र विधान का सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये बहुत ही सिंपल विधान है। हर एक गृहस्थ व्यक्ति सिर्फ दिन भर में एक माला करके हर तरह के ऋण से मुक्ति पा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? हाँ, इसके लिए आपके पास एक गणेश जी की तस्वीर, विग्रह या दीपक रूप में गणेश जी को स्थापित कर ले। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब घर के पूजा स्थान पर आप गणपति रखते हैं तो उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी को साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर का जो पूजा घर है उसमें गणपति का जो पीठ होगा वो किसी ना किसी कमरे की तरफ होगा, तो कहते हैं कि गणपति जी का पीठ जिसके भी तरफ हो वहां दरिद्री आती है, इसलिए लक्ष्मी गणेश को साथ में रखते हैं। दूसरा, बहुत लोगों को देखते हैं कि गेट पर गणपति लटका लेते हैं। अगर आप गेट के सामने गणपति लगा रहे हैं तो जो घर के तरफ गेट का दीवार है उस पर भी आपको गणपति लगाना चाहिए, मतलब दोनों गणपतियों का पीठ मिलना चाहिए, पीठ आपके घर के तरफ गणपति का ना हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं विधान पर। तो आप गणपति जी की स्थापना करेंगे, ठीक है, गणपति जी का जो पंच पूजा होता है, धूप दीप नवेद गंध इन सब चीज़ों से वो करेंगे, और उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? अस्य मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः ऋण मोचन गणपति देवता ग्लौम बीजम गह शक्ति गौम कीलम श्री ऋण मोचन गणपति प्रसीद सिद्ध्यार्थे जपे विनियोग, ठीक है, ऐसे विनियोग करेंगे। ओम ग्लौम गह गौम गणेशाय ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, ठीक है, ऐसे करके आप जो है पूजा की शुरुआत करेंगे गणपति जी के सामने। प
पंच पूजा करने के बाद, उसके बाद ओम प्रणाम कर लेंगे, ओम गणानंतवः गणपति गुम हवामहे, प्रियानाम प्रियापति गुम हवामहे, निधिनाम निधिपति गुम हवामहे, वसो मम, अहम जानामि गर्वधम्म त्वम जानासि गर्धम। ठीक है, इतना करने के बाद सदैव पार्वती पुत्रः ऋण नाशम करोति मे पंच पूजा मनुः, ऐसा बोल करके जो भी आपको प्रसाद वसाद चढ़ाना है चढ़ा लीजिएगा। फिर जाप पर आइए, इसमें आप हाथ से जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। मूलभूत बात यह है कि इसमें माला के बारे में वर्णन नहीं किया था रावण जी ने, तो चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला जो आप जाप माला यूज करते हैं उसको कीजिए, या फिर हाथ से आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र सुनिए, तीन बार बोलूंगा और इस मंत्र को 108 बार सिर्फ रोज जपिएगा सुबह पूजा के समय में, जब तक आपकी ऋण मुक्ति नहीं हो जाएगी। मंत्र क्या है? ओम ग्लौम गह गौम गणेशाय ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। फिर से सुनिए, ओम ग्लौम गह गौम गणेशाय ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। एक अंतिम बार सुनिए, ओम ग्लौम गह गौम गणेशाय ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इतना करने के बाद जो शुरुआत में मंत्र बताया था ओम अस मंत्र से सदाशिव ऋषि, उसको फिर से करिएगा। जो शुरुआत में मंत्र था पूरा फिर से कीजिएगा, फिर से ध्यान कीजिएगा, फिर से पूजा कीजिएगा और अंत में वहाँ पर जल गिरा दीजिएगा जहाँ पर पूजा का आपने आह्वान किया है। ठीक है, इस मंत्र को करने से आप लोगों को ऋण से मुक्ति मिल जाएगी और धीरे धीरे आपका पूरा ऋण कट जाएगा। तो जिनको भी ऋण का समस्या है, ठीक है, वो इस मंत्र को करते रहें, बहुत लाभ होता है। तृतीय सिद्ध रावण नाथ जी ने ऐसी ऐसी साधनाएं दी हैं, ऐसे ऐसी उत्तम साधनाएं दी हैं जो कालांतर में गुप्त हो गए। जैसे यक्षिणी ही सात नाम करते हैं, जैसे आप जो भी दश महाविद्या की देवियों की साधना करते हैं, गणपति में इतने गणपतियों का जाप है कि उसमें कहना ही नहीं है। जैसे श्री वर महागणपति का एक जाप है, उसको करने से बहुत सारा लाभ है। ठीक है, जैसे ऋण नाशक गणपति अभी मैंने बताया, तो ऋण नाशक गणपति का स्त्रोत्र भी होता है। गणपति से जो मोहिनी की जाती है, त्रिलोक मोहिनी कर गणपति मंत्र है, गणेश मंत्र है, वक्रतुंड महागणपति मंत्र है, उच्चिष्ट गणपति नवारण मंत्र है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर गणपति के बारे में ही सिर्फ आप रावण संहिता पढ़ेंगे, जो रावण जी द्वारा दिया प्रतिपादित मंत्र है, तो आपको मतलब एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप जैसे कि वक्रतुंड, वक्रतुंड क्या रूप है, क्या मंत्र है उनका पता ही नहीं है। उनका क्या गणेश मंत्र का जो यंत्र बनता है गणेश भगवान का, और जो वक्रतुंड का जो यंत्र बनता है वो एक है? नहीं है। सबको सबका कर्ण्यास अलग होता है, सबका हृदयानास अलग होता है, मतलब हर कुछ अलग होता है, लेकिन चलते चलते सब कुछ एक हो गया है। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जैसे गणपति के जाप से अगर ऋण मुक्ति होगी तो ऋण गणपति के कौन से रूप से मुक्ति होगी ऋणों की, ये पता नहीं होता। लोग बोलते हैं जाकर के गणपति के मंदिर में आप एक ताला चढ़ा दो, नहीं होता है उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इसको करें और ऋण मुक्ति आप लोग सभी प्राप्त करें। आगे चल के गणपति की और साधनाएं दूंगा, रावण तंत्र से और साधनाएं दूंगा, ताकि जो गुप्त है वो गुप्त ना रहे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, मेरा नंबर है 9431188585, उसमें पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो शुरुआत का बेसिक साधना है वो आप मुझसे सीख सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए। USA कैनेडा और इंडिया से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, उसमें मेरी ID है rudranath@cmfo। जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए aghortantra.xyz पे जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उसमें आप लॉग इन करके मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत इमरजेंसी हो तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन बिना विषय का व्हाट्सअप ना करें। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, अल्लाह हाफ़िज़।